Get your ticket to your dream career. Join IIMT University, which offers courses in engineering, pharmacy, law, management, mass communication, hospitality management, nursing and paramedical and other professional courses. O Pocket Ganganagar, Mavana Road, Meerut. Namaskar. आप देख रहे हैं fatby.tv. कोरोना की मार जितनी तेजी से विकराल रूप धारण कर रही है, वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट भी गहरा गया है. यूपी की राजधानी लखनऊ में मरीजों को ऑक्सीजन अभाव में सांसें फूलने लगी हैं. संख्या से अधिक मरीजों के कारण यह हालात बने हैं. वहीं परिजन अपने परिवार वालों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए स्वयं ही रिफिलिंग सेंटर के बाहर लाइन में खड़े हुए हैं. दमोह में ट्रक से ऑक्सीजन सिलेंडर लूटे जाने व जिलाधिकारी द्वारा ऑक्सीजन लुटेरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही गई है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिल कहे जाने वाले मेरठ में भी मेडिकल कॉलेज वे अन्य कोविड सेंटरों पर भी ऑक्सीजन का अभाव नजर आ रहा है. बीते रात संतोष नर्सिंग होम से 12 मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा. जिला प्रशासन को यह कदम नर्सिंग होम में ऑक्सीजन खत्म होने पर उठाना पड़ा. हालात यह है कि पिछले 24 घंटे में बीते दिवस सर्वाधिक 1240 मरीज अकेले मेरठ में रिकॉर्ड दर्ज किए गए. मेरठ मेडिकल में भर्ती 15 लोगों की मौत हुई है. इन लोगों में मेरठ के अलावा बाकी जिलों के कोरोना संक्रमित भी शामिल हैं. यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में करीब 3 गुना तक जा पहुंचा है. यूपी के जिलों में जिस तेजी के साथ यह आंकड़ा लगभग तिगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिन और ज़्यादा भयावह हो सकते हैं. महाराष्ट्र के नासिक के एक अस्पताल में टैंक से ऑक्सीजन लीक होने के कारण 22 संक्रमितों की मौत हो गई है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जाँच के आदेश दे दिए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में मौजूदा समय में 21 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं. जहां तक बात मेरठ की है तो LLRM मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की मांग 5 गुना तक बढ़ गई है. कॉलेज प्राचार्य ज्ञानेंद्र सिंह ने 6 टन का दूसरा ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए औपचारिकता को पूरा करने की बात कही है. उनका कहना है कि कैंपस में कुल 2 प्लांट होंगे, ऐसे में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने पाएगी. मई के पहले सप्ताह तक नए प्लांट को चालू कर दिया जाएगा. कैंपस में कुल 11 टन ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगी. वर्तमान में कैंपस में 5.5 टन का एक ऑक्सीजन प्लांट संचालित है. वर्तमान में 225 सिलेंडर रोजाना की खपत यहां हो रही है. ऑक्सीजन सिलेंडर पर जिला एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव है, लिहाजा आपूर्ति सेंटर नर्सिंग होम की बजाय मेडिकल कॉलेज को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं. CMO मेरठ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने संतोष नर्सिंग होम हादसे को चूक मानने से इनकार कर दिया है. उन्होंने यह जानकारी दी. कोरोना को लेकर हम लोग जाना है, दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं और जब केस बढ़ रहे हैं तो नेचुरली यहाँ पे केस बहुत ज़्यादा. इस बार जो केस आने, पहले तो ऑक्सीजन वाले कम मरीज आते थे, इस समय हमारे पास ऑक्सीजन वाले सभी मरीज ऑक्सीजन वाले आ रहे हैं. और कल तक हमने अपने बेड 320 कर लिए थे, आज और 85 बेड हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हो जाएँ. जिस तरीके से पेशेंट बढ़ रहे हैं, उस तरीके से लेकर मेडिकल प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं पेशेंटों के लिए? वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, किस तरीके की दवाइयों की व्यवस्था रहेगी? हमारे पास जो वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में, दवाइयां पर्याप्त मात्रा में हैं, ऑक्सीजन हमारे पास लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का हमारा एक 5000 लीटर का टैंक है, साथ में उनके एक टैंकर हमेशा खड़ा रहता है. और दूसरा हमारे पास जो सिलेंडर सप्लाई है वो अभी तक चल रही है. तो अभी वर्तमान में हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है और इसके ऑक्सीजन की आपूर्ति बिल्कुल ठीक से होती रही, इसके लिए जिला प्रशासन हम लोगों के साथ है और जिला प्रशासन इसमें हमारी पूरी मदद कर रहा है. सर, तकरीबन कितने पेशेंट अभी एडमिट हैं और कितने बेड की व्यवस्था? 246 के आसपास मरीज हैं और इस समय जो हमने बेडों की व्यवस्था कर रखी है 320 बेड कर रखे हैं. क्या 256 मरीज हैं और लगभग 280 हैं कि 320? उसके मिला लें तो फिर सर ज़्यादा नहीं, तीन लगभग 300 बेड हैं. 300 बेड सर. वहीं कहीं ना कहीं आरोप लगते रहते हैं कि कुछ ना कुछ पेशेंटों के साथ लापरवाही होती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग पूरी तरह से हमारे सीनियर डॉक्टर्स भी राउंड ले रहे हैं और हमारे SIC कोविड, CMS कोविड, मैं स्वयं भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ
मैं स्वयं अंदर जाकर राउंड लेता हूँ, देखता हूँ, जो भी कोई कमियाँ दिखती हैं उसके लिए उन कमियों को सुधार करने की आदेश देता हूँ। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।